अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं विज़िट कर रही हूँ इस्लामाबाद टेस्ट। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में। इसमें बहुत से ब्रांड्स ने स्टॉल लगाए हुए हैं। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो फूड रिलेटेड हैं और इसकी डेट्स जो हैं जब ये इवेंट हो रहा है 12, 13 और 14 मार्च को हो रहा है। और ये मैंने विज़िट किया था 13 मार्च को। और यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं और फैमिलीज़ हैं। इसके पासेस भी अवेलेबल हैं और पास जो है इसका 450 रुपीज़ का है इंडिविजुअल, और जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ का है। और यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ ने विज़िट किया हुआ है और बहुत से ऐप्स जो हैं वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सॉरी, हमारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फूड पांडा ऐप, जैसे फूड पांडा है इसी तरह से हमारी भी एप्लीकेशन है। 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को, 2 साल हो चुके हैं वर्किंग में है, लेकिन यह है कि मार्केटिंग अभी हो रही है। सेकंड ये कि फूड पांडा जो है कुछ चीज़ों को, कुछ रेस्टोरेंट्स को कवर करता है, तो फॉरी एप्लीकेशन के लिए तो वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स को गार्डनिंग हो गई, आपकी बेबी आइटम्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, फार्मेसी हो गई, एवरीथिंग को वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन गेट ऑन द सेम डे। और सेकंड ये कि अगर आपको कोई चीज़ आपने जो परचेज किया अगर घर मिलने पर जब आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं है तो आप उसको हाँ रिटर्न कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आप रिटर्न कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस फ्री है, ठीक है, अच्छा डिलीवरी चार्जेस फ्री है। और पूरे में इस्लामाबाद में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, इफ इंडिया इस्लामाबाद में जो फिलहाल फिर इस्लामाबाद है और ऑलरेडी काम चल रहा है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम नूर है। ठीक है, आपका ऑफिस? हम लोगों का ऑफिस G11 वाली से। ठीक है, क्या नेम है ऑफिस का? ये फॉरी ऐप के नाम से, फॉरी एप्लीकेशन के नाम, फॉरी एप्लीकेशन का नाम से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी। बिल्कुल, आप ये ऐप इंस्टॉल करें, ऑनलाइन पेज पर सर्च कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और यू कैन गेट। थैंक यू वेरी मच। और ये डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, ये होम मेड केक्स हैं जिसका स्टॉल है ये, और यहाँ पर चॉकलेट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट हैं, ये होम मेड केक्स हैं। और ये फुल व्यू आप देख सकते हैं यहाँ का, और भी ज्वेलरी के स्टॉल्स भी हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, ये ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं। और यहाँ पर स्टेज जो है वो भी एक्टिव है, वहाँ से भी जो है सुनते हैं जल्दी, अब से कुछ ही देर के बाद मेन स्टेज से परफॉर्मेंसेस जो है लोगों को दिखा रहे हैं, हम रावलपिंडी के मसाफात में मौजूद है, मेरी आवाज सेंटर में मौजूद है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, लोग यहाँ आए हैं, ये जो अंदर सुराख हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रस प्रस का त्रोपा लगाएं और आपका ये हुआ वाटर कूलर। बिल्कुल वाटर कूलर, देखती आंखों सुनते कानों, आपको अदील खान का सलाम। बस ये हम आरजे पट्टी को मिस कर रहे हैं इस टाइम, उन्होंने आना था आज? बिल्कुल आना था, वो थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए थे, आपसे कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंच जाएंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, ये सिलसिला कल भी जा रहेगा, कल भी आ सकते हैं, कल आखिरी दिन है संडे, यानी कि 14th इज द लास्ट डे ऑफ इवेंट। हम जी अजर हुसैन, हमारे साथ आरजे अदील मौजूद हैं, और हम इस टाइम लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमसे? जी बिल्कुल, हम लोगों से कह रहे हैं कि आप सलाम जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां दिल। वैसे 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 आरजे अदील, हमें गाना नहीं गाना चाहिए, हमें गाना नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजा नासिर साहब इस बात पे मुस्कुराते हुए हमें नीच तिरछी आंखों से देख रहे हैं, और इनको मैं कहना चाहूंगा, तिरछी आंखों देख सुनते कानों, आपको हमारा सलाम कबूल हो। बारल जी, सुना था मेरी 9.4 पर, अली भाई हमें बताएंगे, हम लाइव मौजूद हैं और हमें सुना जा रहा है, हमसे बातचीत की जा सकती है, यहाँ पर आप आ सकते हैं इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, और इस्लामाबाद टेस्ट 2021 हो रहा है। जी एजी भाई, और हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूं आप? क्या नाम है आपका पूरा? सैयद सज्जाद अली शाह। साहब ने कहा है, वादा किया है, घर से निकले स्पेशल जोड़ा पहन के, जो चमक रहा है इस टाइम, और ये आज पख्तों का सॉन्ग है। वाह यार, जार कौन सा है ये सॉन्ग? बस पुराना वाला। ओके, इसमें ढोल बज सकता है इसके ऊपर? ये रोने वाला है, रोने वाला, जल्दी करें। असी पखला वायम चखो तेरी पगनता वस्तु नना तेरी ati pakhla wayam chakha chiri ge
थैंक यू सो मच और रेडियो खुले मजेदार पुख्तो गाना सिकंद दे आओ विल आजम मुंगर और सज्जाद और डीजे इसी ने म्यूजिक दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मुझे महसूस अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छा एक गजल सुनाई हमें और वो कहते हैं पुराना सॉन्ग था और पुराने सॉन्ग जो हैं आजकल वैसे भी फैशन है उनको दोबारा लेके आना क्योंकि अच्छा अभी हम तुम्हारा लाइव है। जी अभी लाइव है और आप, हमने आपको कहा था कि आपने हमें क्यों इशारा किया कि हम कट हो चुके हैं? नहीं उन्होंने कहा कि ये मोहसिन ने हमें कहा कि हम स्टूडियोज वापस और जवाब ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा सीन वन कट हो गया सीन टू स्टार्ट हो गया। अच्छा नहीं ये देखिए ऐसे करके हमारी नौकरियां खतरे में डाल रहे हैं। बहुत होशियार है आप वैसे। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद है जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जो हमें गाना सुनाना चाहते हैं। वालेकुम सलाम जी मेरा नाम काशिफ भट्ट है। काशिफ भट्ट साहब इतने आओ ना कितने साडे को दूर दूर क्यों जा रहे हो भट्ट साहब? थैंक यू वेरी मच। तो भट्ट साहब करते की हो तुसी? जी मैं बैंक में होता हूं। बैंक में होते पैसे गिनने का काम तो नहीं करते? हां सुपरवाइज करता हूं। अच्छा सुपरवाइज करते हैं तो क्या सुनाएंगे आप हमें? जी मैं जुनेद जमशेद का एक है सावली सलोनी। सावली सलोनी अच्छा तो सुनाइए आप सुनाइए भट्ट साहब जो है वो हमें सुनाएंगे सावली सलोनी जुनेद जमशेद का गाया हुआ। जी भट्ट साहब सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके अमरीका के ना जापान के अमरीका जापान के हम आशिक हैं मुल्तान के सावली होंठ सराय की बोले और गालों से रस टपके सावली सलोनी करके तो सावली सलोनी मिली कि नहीं जनाब सुनो FM 89.4 की तरफ से भट्ट साहब इतना अच्छा सॉन्ग गाने के लिए और आपकी दिली मुरादें ऑलरेडी पूरी हो गई हैं अब इस पे बैठ के हमारा रेडियो सुनेगा। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं ये देख सकते हैं आप। ये भी फूड का ब्रांड है ज़्यादातर जो है फूड रिलेटेड ही स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज जो एंजॉय कर रही हैं और इसके चार्जेस जो हैं 1000 rupees का फैमिली का टिकट है और जो इंडिविजुअल है वो 450 rupees का पासेस हैं और पासेस जो हैं इसके बाहर ही अवेलेबल हैं। बिजनेस ऑनलाइन पी के ये प्लेटफॉर्म है तमाम पाकिस्तानी कारोबारी असरात के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिसमें वो अपने आप को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा ये होगा कारोबार को एक क्लिक के ऊपर कॉल कर सकते हैं ठीक है। मिडिल मैन कोई इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर जो है वो बिजनेस को कॉन्टेक्ट करेगा फ़ोन करेगा व्हाट्सएप कर सकता है SMS कर सकता है। ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान है या इस्लामाबाद में? जी ये पूरे पाकिस्तान में है। हमारे ऑफिसेज कराची में लाहौर में फैसलाबाद पिशावर मुल्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। अच्छा ये आप अपने ऐप आपने कब इस्टेब्लिश की थी? ये 2 महीने हो गए हमें लॉन्च किए हुए इस ऐप को। अब माशाल्लाह हमारे पास 20,000 बिजनेसेस
हमने रजिस्टर कर लिया अपनी ऐप के ऊपर। अच्छा, आपने वर्कर्स भी हायर किए थे? जी, मेरे पास मकसद ये है कि इस कोविड की कारोबारी हजरात की मदद की जाए और उनके लिए बिजनेस क्रिएट किया जाए। सो दिस इज अ प्राइम प्लेटफॉर्म फॉर देम टू कम ऑनलाइन एंड एडवर्टाइज देमसेल्फ एंड गेट कॉन्टेक्टेड बाय ऑल द पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, इसके आप भी चार्जेस भी लेते हैं? हमारी फ्री ऐप है ये, लेकिन एक पेड सर्विस भी है, वो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी के लिए ये फ्री ऐप है। तो मजा आएगा, आप प्लीज इस पर डाउनलोड करें बिजनेस ऑनलाइन के प्ले स्टोर से या iOS के स्टोर से, आप डाउनलोड करें ऐप का ऑफिशियल और इसके ऊपर से जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। सिंपल 3 मिनट के अंदर आप अपने कारोबार को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके साथ साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।